हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप गणेश जी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। भगवान सभी को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये बुद्धि के कारक हैं, जैसे हम सबको पता है। चलिए आज देखते हैं, आज गणेश जी का फर्स्ट डे है और देखते हैं इनकी साइड से हमें क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और कौन से काम हमको नहीं करने हैं उसके लिए कहा जा रहा है, और जो काम अगर आपके होने वाले हैं वो भी देखते हैं। सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे, जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथ आय नमः। तो चलिए देखते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। चलिए देखते हैं, जनरल रीडिंग है, फिर बोल रही हूँ, उसी हिसाब से आप लीजिएगा। और देखते हैं गणेश जी आज हमको, मैं कोशिश करूँगी डेली इनकी इन पे वीडियो बनाने की। अभी पोस्ट कार्ड निकला है हमारा, सेकंड कार्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आज पांच ही कार्ड गाइज लेंगे हम। चलिए जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिएगा, उसी हिसाब से ये रीडिंग भी आप लोग देखिएगा, फिर मैं आपको बता रही हूँ। जनरल रीडिंग है, आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हो बहुत क्लियर। सबसे पहले तो आप लोग जिस चीज का, कुछ लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे, या कुछ जो एग्जाम दिया था आप लोगों ने उसका, या किसी जॉब के लिए वेट कर रहे थे कि जॉब कुछ आप लोग के लायक हो, सकता है आपको एजुकेशन उस लायक हो और आपकी जॉब उस लायक नहीं हो जो अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, तो आप उस चीज के लिए वेट कर रहे थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो चीज आने वाली है। यदि रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव उसमें आने वाला है। सेकेंडली, अगर जॉब का, मन चाहिए जॉब का अगर आप वेट कर रहे थे तो मन चाहिए जॉब भी आपको मिलने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है, खुशी आने वाली है। हाँ, बीच बीच में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कोई आप खुशियों से जल रहा है या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपके पैर पीछे खींच रहा है, तो गाइस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाँ ऐसा हो रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है वो सही हो रहा है, ये ऐसा बीच बीच में होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपने गोल से नहीं डिगना है, जो आपने सोचा है, जो करना चाहते, जहां जाना चाहते बिल्कुल करिए, रुकना आपको नहीं है। जो आपका दिल कह रहा है, जो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं उस पे वर्क करिए, अपनी सोल की बात सुनिए, अपनी आत्मा की बातें सुनिए, उस पे वर्क करिए, किसी की बातों में आपको ध्यान नहीं देना है। अपॉर्चुनिटी बहुत आने वाली है गाइज, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी आएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा किस साइड जाए, और जैसा आप चाहते थे वो एक आप सोचते थे कि अगर इसमें मिल जाए या इसमें मिल जाए, तो सारी एक साथ ही आ रही है। तो बहुत अपने आप को क्लियर रखिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आप लोग को बहुत मिलने वाली है। जिन लोगों के क्रिएटिव वर्क है, जैसे कि सलोन का आर्टिस्ट है, आप डांसर हैं, सिंगर हैं, उन लोग को बहुत अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है, और एक्शन का टाइम गाइज उन लोग का आ गया है। हो सकता है कई लोग सिंगिंग सिखाते हो, वो सोचते थे छोड़ो ना, अब बीच में हो सकता है नहीं सिखाना छोड़ दिया, और जो टीचर हैं आप जैसे छोड़ दिया है आपने, एक्शन का टाइम आ गया, अब आपको वो काम करने का टाइम आ गया। काफी टाइम से कुछ लोग सोच रहे थे वापस शुरू करने का, तो वो समय आपका आ गया हैगा, आप बिल्कुल उस काम को शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता तो मिलने ही वाली है, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा है, कुछ सीखना चाहते थे, कुछ लोग किसी चीज की ट्रेनिंग लेना चाहते थे, बहुत क्लियर यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि वो ये जो आप इस समय जो शुरुआत करेंगे, ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ईश्वर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके साइड, आपके ऊपर, तो जो आप काम लोग 10 दिन में सीखते हैं, आप वो काम 5 दिन में ही सीख जाएं, क्योंकि ये टाइम अच्छा है आपका, ईश्वर आपको हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, सिर्फ यही रीजन है जिसके कारण आप बहुत जल्दी जो सीखना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं कर सकते हैं।
प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आ रही हैगी, लेकिन आपको अगर आपको तरक्की मिल गई है या जैसा चाहते थे वैसी लाइफ आपकी शुरू हो गई है होना, यानी कि अबंडेंस आ गई आपकी लाइफ में, एक लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हो गई है, अप हो गई है, तो प्लीज इसको ईगो मत लाइएगा, अदरवाइज आप सोचिएगा बहुत मुश्किल आप लोग के लिए हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ईगो लेके आए हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाना है। बस इतना मैं बोलना चाहूंगी, जो भी आप काम करें जैसे भी करें, ईगो मत आने दीजिए अपने उस वर्क में। और आपके लिए अगर रिलेशन वगैरह का देखा जाए तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है। अभी तक जो आपको जिनसे आपकी बात नहीं हो रही थी, आपके लवर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, तो हाँ, यानी कि बहुत बेकार तरीके से आप लोग का या तो ब्रेकअप हुआ था या बात करना बंद हुई थी किसी चीज को लेके, बहुत मतलब जो बोलते हैं ना, बहुत कड़वाहट आ गई थी रिलेशन में, अब वो चीज कम होने वाली है। लेकिन आपको भी अपना दिमाग शांत रखना है, एग्रेसिव होकर बात नहीं करनी। अगर कोई कुछ बताना चाह रहा है तो हो सकता है आपके कानों तक वो पूरी बात नहीं गई है, आपने आधी बात सुन के उस पर रिएक्ट किया है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे अपने को गंभीर रखिए, मैच्योरिटी अपनी दिखाइए, बात सामने वाले की भी सुनिए वो क्या बोल रहा है, ठीक है, फिर एक्शन लीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटली श्री गणेश भगवान का बहुत आशीर्वाद है, कैरियर शुरू करने का समय आ गया है, घूमने जाना आप चाहते बिल्कुल जा सकते हैं। जिनका ब्रेकअप बहुत गंदी तरीके से हुआ था वो भी खत्म होने वाला है, रिलेशन आगे अच्छे से हेल्दी रिलेशन आगे बढ़ने वाले हैं, जिन्हें कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत आने वाली है, अबंडेंस आ रही है आपके यहाँ। टीम वर्क करने की कोशिश करिए, अगर कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो टीम वर्क करिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है, आप अकेले भी कर सकते हैं। बहुत क्लियर यहाँ कहा जा रहा है, जोश है आप में, इसमें कोई दो राय नहीं है, हिम्मत है आप में, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ बहुत क्लियर कहा गया है, तो सबके लिए हाँ है और बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। तो आई होप आप लोग को रीडिंग समझ में आई होगी, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन गाइज जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।